पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के तहत भाजपा और सपा प्रत्याशियों समेत 6 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। एक किन्नर ने भी पर्चा दाखिल किया। सभी उम्मीदवारों ने डीएम निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। विधान परिषद चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट स्थित डीएम न्यायालय में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रमुख राजनीतिक दलों में सिर्फ भाजपा और सपा के उम्मीदवारों ने ही नामांकन कराए। इसमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में सत्यपाल सैनी ने तथा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक ने पार्टी के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। दोनों उम्मीदवारों के साथ उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और समर्थक भी कलेक्ट्रेट तक गए। प्रत्याशियों ने डीएम कोर्ट में 10 प्रस्तावकों के नाम के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा प्रत्याशी सतपाल सैनी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में भूपेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, विनोद अग्रवाल, अनामिका यादव, ललित तंवर, साकेंद्र प्रताप सिंह, इंदु रानी, मीनाक्षी खेमवती और राजपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए। और आज आपने नॉमिनेशन कराया है, वही प्राथमिकता रहेंगी जो 2014 में सांसद बनाया था। गाँव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, सबका सम्मान रहे, क्षेत्र में सौहार्द और सद्भावना का वातावरण रहे, तो उसी गति से हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है। पूज्य योगी जी भी विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। इसी प्रकार से हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और प्रदेश ने उनको जो है बढ़ चढ़ कर जमीन पे लाने का काम किया है, तो आप सब देख रहे हैं, चाहे रोडों का जाल हो गाँव में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय की योजना हो, बिजली की सुधार हो, क्राइम में सुधार हो, ये ऐतिहासिक काम हुए हैं। उसी के आधार पर हम विकास के आधार पर जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हुए हैं। तो जनता का हमारे प्रति विश्वास है, मेरे प्रति भी विश्वास है, उसी विश्वास के आधार पर सारे लोगों का समर्थन सहयोग प्राप्त है और मुझे नहीं लगता कोई कारण है ऐतिहासिक मतों से हम जीतेंगे। इस इलेक्शन में कोई चुनौतियां मानकर चल रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जहां निकायों में ज्यादातर जो सीटें हैं विपक्ष के पास में रहती हैं, और उसमें ऐसी स्थिति में किस तरह से जीत हासिल? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है 2014 का। वहीं सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वाले अजय मलिक के साथ प्रस्तावक के रूप में चंद्रपाल सिंह, अवनीश यादव, धर्मेंद्र कुमार, आमना खातून, नौनिहाल सिंह, मोहम्मद सलीम, ललित सिंह, आसमा, राजकुमारी देवी और प्रमोद कुमार के हस्ताक्षर हुए। समाज सेवा, मैंने बताया था हमारी पार्टी समाज की सेवा के लिए तत्पर हमेशा है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सभी वर्ग का ध्यान रखते हैं। किस तरह से जीत हासिल करेंगे पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार? बहुमत हमारा हमें मिलेगा, विश्वास है जनता पे, विश्वास है जनता का, हमारे ऊपर विश्वास है। क्या चुनौतियां मानकर चल रहे हैं? कहां किस चीज़ की चुनौती, किससे चुनौती मान चुनाव में? चुनौती कुछ नहीं, हम तो जीते हुए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे समाज की बात करेंगे, व्यापारी की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, समाज के हर वर्ग की बात करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा जनता आपके साथ में, ये चुनाव जो है ये पार्षद है, बीडीपी जनता के इनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी से मैं तो अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट दें। अच्छा, समाजवादी ने आपको कैंडिडेट बनाया और समाजवादी के नेता ही आपके साथ में खड़े नजर नहीं आ रहे, नॉमिनेशन में नजर नहीं आ रहे, क्या माने? अभी दिखाई देंगे थोड़ी देर। क्या माने इस बात को? अंदर बाउंडी वो है, बाउंडेशन। जिला अध्यक्ष जी भी आपके साथ नहीं है तो सुनो जी, सब बाहर खड़े हुए हैं, अभी दूसरा सेट भी अभी जल्दी दाखिल करने आएंगे सभी। अच्छा, कहने का मतलब एक पहला सेट है, दूसरे सेट में सारे लोग मौजूद आएंगे, जितने भी मेरी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं, पदाधिकारी गण, सभी लोग मेरे साथ हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।